हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, VLDA और DVLT के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप भैंसों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों, मैंने प्रोस्पेक्ट डाउनलोड कर लिया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, मैं आपको दिखा देता हूं। और दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में लेनी है, ए से लेकर जेड तक, कि कौन एडमिशन ले सकता है, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी कितनी फीस लगेगी, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 2019-20 की यहां पे बात करें दोस्तों, ठीक है। तो डिप्लोमा कोर्सेज VLDD और DVLT 2 ईयर ड्यूरेशन, 2 साल का समय होता है दोस्तों इन कोर्सेज का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल फॉर्म इनकी, VLDA की फुल फॉर्म दोस्तों ये होती है और DVLT की फुल फॉर्म में दोस्तों ये होती है, ठीक है। दोस्तों, अब चलते हैं हम नीचे। तो लुवास यूनिवर्सिटी के द्वारा ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट की दी बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्म कब से कब तक चलेंगे। तो 1/6/2019 से फार्म भरने शुरू हो चुके हैं और 1/7/2019 तक फार्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन भरे जाएंगे दोस्तों इस साइट से, ठीक है। साइट आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, लुवास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ये। यदि फीस की बात की जाए तो 25/6 तक दोस्तों बिना लेट फीस, कोई भी लेट फीस नहीं, 25/6 तक आप बिना लेट फीस के फार्म भर सकते हैं। यदि आप लेट फीस के साथ फार्म भरना चाहते हैं तो आप 1/7/2019 तक भर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल डेट कितनी है, 25/6/2019 है। उसके बाद में एक सप्ताह तक आपके 600 रुपये और देके आप ये फार्म अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब यदि एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो VLDA का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4/8/2019 को संडे के दिन VLDA के लिए। यदि आप VLDA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 4/8/2019 को आपका एग्ज़ाम होगा और 10 बजे से लेकर 12:15 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ठीक है। DVLT में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, 9/8/2019 को। टाइम आपका आप यहां पे देख सकते हैं 10 से 12:15 बजे तक, ठीक है। और जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके एक सप्ताह पहले डाल दिए जाएंगे और जो आपका रिजल्ट होगा वो भी आपका एक सप्ताह के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं फीस कितनी लगेगी एडमिशन के बाद में, ठीक है। एडमिशन के बाद में दोस्तों फीस की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहां पे आप फीस देख सकते हैं, फार्म भरने की फीस कितनी लगेगी, 2000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, GNCT दिल्ली के लिए, यहां पे आप ये चेकआउट कर सकती हैं, और 500 रुपये है SC BCA BCB कैटेगरी के लिए, ठीक है, हरियाणा स्टेट के लिए। इतनी फीस लगेगी दोस्तों यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों, यदि क्या है, यदि आप दोनों फार्म भरना चाहते हैं VLDA का और DVLT का तो आपको अलग अलग फार्म भरने पड़ेंगे दोस्तों, अलग अलग से फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। और देख लेते हैं दोस्तों नीचे क्या है, क्वालिफिकेशन भी आपको यहां पे दिखाई जाएगी। यदि कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहो तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं हर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों
दोस्तों इस चैनल पर हर रोज ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होती है। अब आती है क्वालिफिकेशन की बात। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी आर डिफरेंट इन वीएलडी एंड डीवीएलटी कोर्स। यहाँ पे बताया गया कि वीएलडीए के लिए अलग कंडीशन है, डीवीएलटी के लिए अलग कंडीशन है। एडमिशन फॉर्म फॉर वीएलडी एंड डीवीएलटी आर सेपरेट, डिप्लोमा एंट्रेंस इज सेपरेट फॉर वीएलडीडी डीवीएलटी डिप्लोमा कोर्सेज। वन कैन अप्लाई फॉर बोथ द डिप्लोमा कोर्सेज सेपरेटली अलोंग विद द रिक्वायर्ड डिप्लोमा एंट्रेंस फी फॉर ईच एज डिटेल ऑन पेज टू। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू वीएलडीडी एंड डीवीएलटी कोर्स थ्रू डिप्लोमा एंट्रेंस। यदि आप वीएलडीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या है, द कैंडिडेट अंडर ऑल कैटेगरीज मस्ट हैव पास्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट टेकन इन प्लस टू एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम एंड द कैंडिडेट अंडर ऑल कैटेगरीज मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेंड ए मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों पहली कंडीशन है 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं में आपके 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए, और प्लस टू आप किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखी है, आप सभी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिख दिया इन्होंने, जो एससी कैंडिडेट है उनको 57% नंबर होने चाहिए 10वीं क्लास में दोस्तों। ठीक है, आपकी वीएलडी के तो क्वालिफिकेशन ये है, किसी भी स्ट्रीम वाला एडमिशन ले सकता है दोस्तों। प्लस टू में कोई भी आर्ट है, कॉमर्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब है डीवीएलटी की बात दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट अंडर ऑल कैटेगरीज मस्ट हैव पास्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ प्लस टू एग्जामिनेशन टेकन अलोंग विद मेडिकल एंड पीसीबी स्ट्रीम। डीवीएलटी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए दोस्तों, और 45% नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, एससी के 42% नंबर होने जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना, और 17 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 17 ईयर, और 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, एज की दी बात की जाए तो, आगे देख लेते हैं, लास्ट डेट है 25 तारीख 25/6/2019। यदि आप लेट फीस के साथ फॉर्म भरते हैं तो 1/7/2019 लास्ट डेट है दोस्तों। फोटोग्राफ आपका अपलोड करना होगा, ठीक है, नया फ्रेश फोटो होना चाहिए। एग्जाम डेट 4 तारीख और 9 तारीख रखी गई है दोस्तों, ठीक है ना। और सब्जेक्ट यदि पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइंस के 70 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के, वीएलडी की यहाँ पे बात की जा रही है, मैथमेटिक्स के 30% आएंगे। ठीक है, मैथ और साइंस आएगा दोस्तों वीएलडीए में ओनली। डीवीएलटी की बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगी दोस्तों 30-30 नंबर की, और बायो 40 नंबर की, ठीक है ना। फीस आपको पता चल गई, क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा दोस्तों ऑफलाइन तरीके से। ठीक है ना, उसके बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। और देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एडमिशन के टाइम पे, 10वीं की मार्कशीट, प्लस टू की मार्कशीट, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, है ना,
दो फोटो आधार कार्ड, तो दोस्तों यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आगे शायद कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे सीट की डिटेल इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। यहाँ पे फीस की बात कर रखी है दोस्तों, फीस कितनी कितनी लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।